बस बस ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों वाइपर मोटर में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। हम लोग INT रिले जब प्लेस करते हैं तो वाइपर गलत जगह पे या गलत पोजीशन पे आके रुकने से क्या है, लेफ्ट वाला वाइपर जो है वाइपर ऐसे नीचे आ जाता है, एक वाइपर ऐसे ऊपर जाता है, उसकी वजह से क्या है मोटर ख़राब हो जाता है। ये टाटा टाइटन का वाइपर मोटर है, INT पोजीशन में यहाँ पे आके रुक रहा है, तो इसकी वजह से ऊपर वाले जो वाइपर से पूरे का सिस्टम बिगड़ जाता है, अलाइन नहीं होते। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे अलाइन करते हैं। देख सकते हो ये INT पोजीशन में गलत जगह पे आके मतलब माउंट हो रहा है। देखो यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, इसके सीधाई में रुकना चाहिए। ये जो एरो मार्क दिया है इसकी सीधाई में रुकना चाहिए बिल्कुल। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे सेट करना है। ये वाला एरो और ये वाला एरो, इन तीनों को मिलाना है एक साथ। ये वाला एरो तीनों को अलाइन करना है इस जगह पे। ऊपर वाला प्लास्टिक का कवर है, इसको घुमा के सिर्फ इसको अपनी जगह पे लेके आना है। जो कि तीनों एरो एक लाइन में आ गए, पूरे कनेक्शन ये ऊपर वाले स्क्रू जितने भी है माउंटिंग टाइट कर देना है। जैसे मैं फ्यूज़ लगा रहा हूँ आप देखना इसको। हाँ अभी सही हो गया, सही हो गया ना। ये वाला तो क्या है, ये आराम से अपने पोजीशन में आके रुक जाता है। उसके अंदर सेटिंग है, इसे किया हुआ रहता है मैन्युफैक्चरर ने। उसका अंदर एक गियर होता है, उसके ऊपर एक पत्ती है, वो कुछ सेकंड के लिए ऑपरेट होगा तो पूरा रोटेशन कंप्लीट होने तक उसमें सप्लाई रहता है, और कुछ 6 या 7 सेकंड के बाद वो वहाँ से कट हो जाता है। ये आराम से सेट हो जाता है और अपनी जगह पे आके पोजीशन में वहाँ पे रुक जाता है। तो वहीं पे आपने क्या करना है, इसके जो वाइपर है उसको लगा देना है। वाइपर का पूरा अलाइनमेंट कर रखा है, वाइपर अभी रेस्ट पोजीशन में है, वाइपर ब्लेड पूरी। इसको एक बार डाउन कर दे रहा है, दिखाता हूँ। हाँ वाइपर पूरे अभी रेस्ट पोजीशन में है, तो इसको एक बार ऑन टेस्ट कर, एक बार लो में करो, लो में चलो, लो स्पीड में करो। कोई बात नहीं, हाई स्पीड में करो ना उसको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ब्रो स्प्रिंकलर मोटर के साथ दबा के रख। बस बस ठीक है ठीक है ठीक है।